सीरियल झनक में अनिरुद्ध और झनक के बीच में जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसका पूरा पूरा फायदा उठाते दिख रहे हैं अर्शी और आदित्य कपूर। अर्शी एक तरफ अनिरुद्ध को ट्रिगर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। अर्शी लिटरली जानती है कि अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है और कैसे अनिरुद्ध के सामने अगर झनक और आदित्य कपूर का नाम साथ में लिया जाए तो अनिरुद्ध इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है और यही देखने में अर्शी को मजा आता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अर्शी के साथ अनिरुद्ध धोखा ही कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अर्शी उसी के साथ है। अब क्यों हो तो मेकर्स ही जाने। इसके अलावा अगर बात की जाए आदित्य कपूर की तो वो भी बहुत अच्छे से जानता है कि झनक अनिरुद्ध से प्यार करती है, अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो दोनों एक दूसरे के कभी भी पास आकर एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करेंगे और इसी बात का आदित्य कपूर भी फायदा उठा रहा है। वो यही ट्राई कर रहा है कि शायद झनक के दिल में उसके लिए जगह बन जाए, इसलिए वो अपने मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को यूज कर रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आदित्य कपूर का झनक के साथ रहना झनक के लिए फायदेमंद ही है, इसलिए अनिरुद्ध झनक और आदित्य को साथ में देखकर हमेशा इरिटेट होता है और झनक को वो गलत समझता रहता है, जबकि झनक एक वो लड़की है जो अभी भी अपने मन में अनिरुद्ध को अपना पति मानकर बैठी हुई है और अनिरुद्ध अर्शी को अपनी पत्नी बोल तो रहा है, अब मानता तो है नहीं क्योंकि जब भी अर्शी उसके नजदीक जाती है तो वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेटेस्ट एपिसोड में मेकर्स चाहते क्या है और ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसी के चलते ये है कुछ फैंस के रिएक्शन। एक यूजर ने कहा, अनी जजेस झनक फॉर कमिंग विद आदित्य फॉर शॉपिंग, व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, शी इज इन एन अनफैमिलियर सिटी, एके हेल्प्ड हर बिफोर एंड इज हेल्पिंग हर नाउ, अ पर्सन लाइक अनी हु विदाउट मैरिंग ए sleeps in the same bed with her and thinks it's right has no right to judge Jay. एक और यूजर ने कहा, Ani felt uncomfortable of Arshi coming close to him or he really meant that he might hurt her. Since she is still recovering, pillow beech mein rakh ke sote hain. Iska samajh nahi aata but they are sharing bed also. This is so awkward. एक और ने कहा, Arshi asked Ani why did Janak dance bad that day. She thinks Janak had done it intentionally. So that Arshi wins, she even thinks Ani is the reason. Ha ha, kitna irritate hua Ani. Just cut the crap, bola. Ek aur user ne kaha, Arshi is making Anirudh's life a nightmare. She can see through his facade and knows exactly what's going on in his mind. While taking revenge on Ani, she is winning over Janak, completely manipulating their lives like a true psychopath, triggering him for fun. एक और ने कहा, शी इज डूइंग इट इंटेंशनली, शी इज टॉर्चरिंग हिम, हर्टिंग हिम, इरिटेटिंग हिम इंटेंशनली बिकॉज शी नोज वेरी वेल व्हाट अनी इज फीलिंग नाउ। एक और ने कहा, आज तो बुरा फंसा था अनी, हाउ दीदी वॉज टॉन्टिंग हिम फॉर झनक, ऊपर से बार बार आदित्य कपूर का नाम ले रही थी, अनी लुक्स इरिटेटेड, ही ट्राइड टू कन्विंस अर्शी ही डजंट केयर अबाउट झनक बट शी डेफिनेटली अफेक्ट्स हिम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेटेस्ट ट्रैक, प्लीज राइट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन।